हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुस्तफा सर अगेन बैक विथ यू ऑल विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कमिंग अप इन द लाइन अप फॉर टुडे दैट इज रिटन ऑन योर स्क्रीन. बच्चा लोग, फंक्शनल ग्रुप. आई रिमेम्बर जब मैंने लास्ट मेरा वीडियो एंड किया था ना, उस टाइम पे आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कुछ हिंट देकर, आइडिया देकर कंप्लीट कर दिया था. और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी अलग अलग नए नए फंक्शनल ग्रुप सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बराबर. तो आज उसी के साथ आई एम बैक विथ माई फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक अगेन. एक पांच फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट टाइम पे रिवाइज करवाए थे वो, और आज नए नए फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ने वाले हैं वो. वी विल बी लुकिंग एट द मेनी फंक्शनल ग्रुप टुडे. मतलब आज का मेरा जो लेक्चर का मेन फोकस रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप पे रहेगा. और बेटा ऐसा समझ के चलो, ये फंक्शनल ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन फॉर इट इज कि फंक्शनल ग्रुप आप जब इस साल पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर वो एक चैप्टर बन जाएगा. अल्कोहल फिनॉल नेक्स्ट ईयर चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटो नेक्स्ट ईयर चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है. तो आप जितना स्ट्रॉन्गली उसको अभी सीखोगे उतना आपको वो नेक्स्ट ईयर काम आने वाला है, राइट. सो चलिए बेटा, लेट अस राइट द लेटेस्ट, मेक अ कॉलम. कॉलम बना लेता हूं आप लोगों के लिए. नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ एंड रिप्रेजेंटेशन. तो इस पेज पे तो आएगा नहीं, तो हम दो पेज यूज करेंगे बेटा, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप कई सारे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अल्केन. अल्केन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको अल्केन बोलते हैं बेटा, राइटली सो. तो रिप्रेजेंटेड एज आर डैश आर. आर का मतलब लास्ट टाइम सर ने बताया था, याद आ रहा है बच्चा लोग? आर अल्काइल. जब अल्केन में एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो अल्काइल बनेगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा. तो CH3 समझो इसको, लिया CH3 बन गया C2H6, दैट इज नथिंग बट अल्केन. तो पहला वाला हो गया बेटा हमारा अल्केन, जो लास्ट लेक्चर वाइंड अप करने से पहले भी पढ़ाया था. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अल्कीन. जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कीन. अल्कीन का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच डैश आर. आर हर बार रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा ही दिखेगा. द रीजन इज आर एक ऐसा ग्रुप है जो आपके फंक्शनल ग्रुप को बांधे रखता है. तो अगर आपके पास OH है समझो फंक्शनल ग्रुप, तो किसके साथ तो जोड़ोगे ना आप उसको, सिर्फ कार्बन से थोड़ी जोड़ोगे. कार्बन के पास भी तो हाइड्रोजन होंगे. तो वो समझो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास ये OH है, ये OH को मैंने कार्बन से जोड़ दिया, तो एक कार्बन भी तो अब तीन बॉन्ड बनाएगा. तो इस तीन बॉन्ड में आप कुछ भी लिखिए, समझो CH3 लिख दीजिए, तो ये भी एक अल्काइल ही हुआ, ये पूरा भी एक अल्काइल है. तो इन शॉर्ट ये अगर अल्काइल है आर, तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया ROH. क्लियर है बेटा? तीसरा जिसका नाम है अल्काइन, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं मेरा बच्चा, तो रिप्रेजेंटेड एज आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी डैश आर. तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन बोलूंगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन बोलूंगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन बोलूंगा. फिर से एक बार, सिंगल रहेगा तो अल्केन बोलूंगा, डबल रहेगा तो अल्कीन बोलूंगा, ट्रिपल रहेगा तो अल्काइन बोलूंगा. याद रहेगा? रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा. याद. मूविंग फर्दर, चल नेक्स्ट है. फिर से तीन कॉलम बना लेता हूं फटाफट. अब नाम नहीं लिखता हूं, पहला कॉलम नाम का है, याद रहेगा. चल सो नेक्स्ट इज अल्कोहल. अल्कोहल 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 सर याद आ रहा है, आपने बताया था लास्ट टाइम क्या है अल्कोहल मेरा बच्चा? OH. अल्कोहल इज गिवन बाई OH, रिप्रेजेंटेड एज ROH. अब इसके अंदर एक और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन नहीं, सब You can say subclassification. Now what is subclassification? Alcohol का एक भाई होता है जिसको हम बोलते हैं phenol. उसका भी functional group OH ही है. लेकिन फर्क क्या है मालूम है मेरा बेटा? कि जब आप alkyl से जोड़ते हो, मतलब आप जब आप CH3 के साथ OH जोड़ते हो तो आपको alcohol मिलता है. लेकिन जब आप aromatic ring के साथ, मतलब जब आप benzene के साथ OH जोड़ते हो, तब वो alcohol नहीं होता, तब वो फिनॉल होता है. मतलब मेन ग्रुप तो OH ही है, लेकिन एक को R से जोड़ा तो अल्कोहल बन गया, दूसरे को AR से जोड़ा तो फिनॉल बन गया. तो याद रखने का,
बाबा बहुत टेंशन है। चलिए पहले लाइन बना लेता हूँ, नहीं तो बार बार छोटा छोटा हो जाएगा हमारा स्क्रीन। स्टार्ट। फिनोल के बाद बढ़ाता है नेक्स्ट, जिसका नाम है अल्डिहाइड। याद आ रहा है सर ने बताया था अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के साथ सब लिख देता हूं, कीटोन भी लिख देता हूं, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख देता हूं, वेरी गुड, जो लास्ट टाइम पढ़ा दिया। और एक और लिखता हूं साथ में, हेलोजन, जिसको हलाइड्स भी बोलते हैं। अब अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, सी डबल बॉन्ड हो। लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से बता दूं, सी डबल बॉन्ड हो उन सब में कॉमन है। तो अल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड हो के साथ लगा देंगे एच, कीटोन को ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, और कार्बोक्सिलिक में आगे लगा देंगे ओ एच। चल फिर से एक बार सर बताओ जल्दी से, अल्डिहाइड रहेगा तो सी डबल बॉन्ड हो के साथ में एच लगा, कीटोन रहेगा तो ओपन छोड़ दे, और कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में ओ एच लगा। फिर से एक बार, अल्डिहाइड रहेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच, कीटोन रहेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों एंड ओपन, एसिड रहेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सी ओ ओ एच। इसलिए इसको लिखते समय आप सी एच ओ लिखते हो, इसको लिखते समय आप सी ओ लिखते हो, इसको लिखते समय आप सी ओ ओ एच लिखते हो। रिप्रेजेंटेड एज आर सी एच ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दोनों एंड पे आर आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एम आई क्लियर बच्चा लोग, समझ में आ रहा है सबको? अल्केन देखा, अल्कीन देखा, अल्काइन देखा, सिंगल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड देखा, ट्रिपल बॉन्ड देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, अल्कोहल देखा, फिनॉल देखा, अल्कोहल भी ओएच से बना, फिनॉल भी ओएच से बना। अल्कोहल में अल्काइल के साथ ओएच जोड़ा, फिनॉल में बेंजीन रिंग के साथ ओएच जोड़ा। उसके बाद में तीन देखे, अल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा, एसिड देखा। अल्डिहाइड में सी एच ओ बनता है, कीटोन में सिर्फ सीओ रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सीओ ओ एच हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हेलोजन। हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, बच्चा लोग एक्स का सिंबल मतलब हेलोजन, जिसमें चार हेलोजन आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये पूरा ग्रुप है बेटा, 17th का ग्रुप। 17th ग्रुप को जब आप देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो आपको मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडाइन। अब ये जो ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में एस्टेडाइन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको हम लोग कभी यूज ही नहीं करते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने आप को खुद खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, तो हम उसको तो यूज ही नहीं करते। तो हमारे पास बचता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन सबको मिला के जो हम ग्रुप बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एक्स। अच्छा, इसको अगर याद करना हो तो याद करने के लिए फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। बिरयानी पसंद नहीं है तो ब्राउनी लगा दो, थोड़ा इंग्लिश लगेगा, एडवांस लगेगा। तो ऐसे बनता है बेटा हमारा ग्रुप, और रिप्रेजेंट होता है वो बाय अ टर्म आर एक्स। तो ये हो गया मेरा सेकेंड सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले सेट में तीन पड़े अल्किन, अल्किन, अल्काइन, ये हो गया दूसरा सेट। अब तक भी फेमिलियरिटी पे ही है बेटा हम, अब तक कुछ नए वाले चीज तो आई नहीं है, अब तक भी उसी पे है जो अब तक पढ़ चुके हैं। अब जाएंगे नए वाले पे, चलेंगे नए वाले पे। चलो सर चलते, आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल चलेंगे। चल चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, पहले थोड़ा टेबल लेवल बना लू, थोड़ा आगे से बनाता हूं इस बार। चल अब इस पेज पे यूजुअली सारे सी डबल बॉन्ड वाले ही दिख रहेंगे हमको, देखते हैं। ईस्टर, असाइल क्लोराइड, अनहाइड्राइड, उसके बाद में अमाइन, और अमाइन का भाई अमाइड, और अमाइड के साथ में एक ले लेता हूं साइनाइड। पहले नाम देख लो, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, अमाइन, साइनाइड। चलो ईस्टर फिर से, ये सब सी डबल बॉन्ड वाले हैं मेजोरिटीली। इसमें सी डबल बॉन्ड है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें तो दो बार है। अमाइन छोड़ दो, अमाइड में भी सी डबल बॉन्ड है, तो ये सारे सी डबल बॉन्ड ओ वाले थे। जब आप सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सिर्फ एक ओ लगाते हो,
देख, एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ के आगे ओ एच लगा दिया, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ के आगे अगर सिर्फ ओ लगाया और इसको बोला सी ओ ओ तो बनता है ईस्टर। क्या बनता है मेरा बेटा? ईस्टर। तो रिप्रेजेंटेड एज आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर, दोनों साइड पे आर तो रहने ही वाला है। असाइल क्लोराइड, जब सी डबल बॉन्ड ओ के आगे सी एल लग जाए तो हम उसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड, जब सी डबल बॉन्ड ओ के आगे सी एल लग जाए तो हम उसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब बेटा ये अजीब सा ग्रुप है, नया ग्रुप है, आप लोगों ने तो अब तक इसको देखा नहीं रहेगा, बेसिकली बहुत सारी चीजें तो नहीं है आपके लिए लेकिन ये तो कुछ बिल्कुल ही नया है। सी डबल बॉन्ड ओ दो बार बीच में ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ दो बार बीच में ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ बीच में दो बार बीच में ऑक्सीजन, इस ग्रुप को अनहाइड्राइड बोलते हैं, इस ग्रुप को अनहाइड्राइड बोलते हैं। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ट्वाइस ओ, सी डबल बॉन्ड ओ दो बार बीच में ऑक्सीजन, याद है सर ने बताया था कंडेंस फॉर्मूला, छोटा करके लिख छोटा करके लिख, वैसा ही है। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये पूरा जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं अनहाइड्राइड्स। आएगा बहुत सी बार आएगा, ये दिखेगा फिर उस टाइम पे समझता नहीं, फंक्शनल ग्रुप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर तक पूरा याद चाहिए। जैसे याद करो सर, रट लो, समझ लो, सीख लो, पूरा पढ़ लो, कुछ भी भूलना मत, मिस्टेक मत करना, आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। अमाइन बहुत सीधा साधा है बेटा, एन एच टू ग्रुप, एकदम आसान से, अमाइन एन एच टू, अमाइन एन एच टू, अमाइन एन एच टू, रिप्रेजेंटेड एज आर एन एच टू। अमाइड इसी का भाई है लेकिन इसके पास सी डबल बॉन्ड है तो सी डबल बॉन्ड के साथ में एन एच टू जोड़ने का, यहाँ पे सिर्फ एन एच टू, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड के साथ एन एच टू, तो प्रोडक्ट बन गया आर सी डबल बॉन्ड एन एच टू, आर तो लगा ही नहीं है हमको सब में। उसके बाद आता है बेटा साइनाइड, साइनाइड इज गिवन बाय सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी एन भी लिखा जाता है, सी एन स्टैंड फॉर साइनाइड, बहुत जहरीला है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत खतरनाक, तो R C ट्रिपल बॉन्ड N। चल फिर से ये पेज पे जितने फटाफट रिवाइज करेंगे सब लोग, खाली स्क्रीन के ऊपर देखो और मेरी आवाज सुनते जाओ। सबसे पहला ईस्टर, सबसे पहला ईस्टर, सबसे पहला ईस्टर, ईस्टर में क्या किया बेटा? C डबल बॉन्ड O तो था, आगे एक O लगा दिया, C डबल बॉन्ड O के ऊपर बाजू में एक O लगाया, बन गया C O O, C O O, को C O O, C O O। अब C O O के दोनों साइड पे R डाल दिया, रिप्रेजेंटेशन बन गया R C डबल बॉन्ड O O R, या तो R C O O R। चल दूसरा है बेटा असाइल क्लोराइड, क्या नाम है मेरा बेटा? असाइल क्लोराइड है सर, क्या है बोलो? असाइल क्लोराइड है सर। असाइल क्लोराइड में C डबल बॉन्ड O के आगे क्या लगाया हमने? C L लगाया, क्या लगाया? C L, क्योंकि नाम में ही दिखता है क्लोराइड, क्लोराइड बोला तो C L, R C डबल बॉन्ड O C L। उसके बाद आता है एक यूनिक वाला, एक नया वाला, एक अतरंगी वाला, एकदम बिल्कुल बिल्कुल भयंकर वाला, C डबल बॉन्ड O दो बार है बीच में ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O दो बार है बीच में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट बन गया R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। उसके बाद आता है नेक्स्ट अमाइन, छोटा सा NH2, अमाइन आसान है, क्या है बेटा? NH2, क्या है बोल रहा बेटा? NH2, लेकिन अमाइन का एक भाई है जिसके पास C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 जोड़ा तो क्या बन गया मेरा बेटा? अमाइड बन गया, अमाइन सिर्फ NH2, अमाइड C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। लास्ट में आ गया साइनाइड, जहरीला कंपाउंड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी तीन होता है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N विच कैन बी रिटन एज CN, रिप्रेजेंटेशन हो गया R C ट्रिपल बॉन्ड O N। चलो खत्म नहीं हुआ है लेकिन एक बार देख लो सब, अल्केन अल्कीन अल्काइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, अनहाइड्राइड, अमाइड, साइनाइड। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, कुछ बच गए। ईथर,
नाइट्रो कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड, वैसे एक आइसोसाइनाइड भी ग्रुप है जो आपको अगले साल काम आएगा, वो भी पढ़ा के रखता हूँ। एक डायजोनियम भी ग्रुप है, वो भी आपको अगले साल काम आएगा, पढ़ा के रखता हूँ। चल तो यहाँ पे इतने अपने और पढ़ने हैं। इथर, इथर सबसे अच्छा बेटा, सिर्फ ओ, सिर्फ ओ, दोनों तरफ आर लगाओ, रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा आर ओ आर। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो मतलब एनओ टू, अमाइन मतलब एनएच टू, नाइट्रो मतलब एनओ टू, अमाइन मतलब एनएच टू, नाइट्रो मतलब एनओ टू, आर एनओ टू। सल्फोनिक एसिड एसओ थ्री एच, सल्फोनिक एसिड एसओ थ्री एच, तो आर एसओ थ्री एच। आइसोसाइनाइड, साइनाइड सी एन था ना, इसको उल्टा कर एन सी, साइनाइड सी एन, आइसोसाइनाइड एन सी। लास्ट डायजोनियम सॉल्ट N2X, नाइट्रोजन के साथ हेलोजन जोड़ने का, नाइट्रोजन के साथ हेलोजन जोड़ने का। डाई का मतलब दो, अजोनियम का मतलब नाइट्रोजन, तो दो बार नाइट्रोजन, उसके साथ में हेलोजन जोड़ेंगे तो डायजोनियम बन जाएगा। और ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप तैयार। अब ये वाला स्क्रीन पे फिर से देख ले दो मिनट। इथर सिर्फ ओ, नाइट्रो एनओ टू, सल्फोनिक एसिड एसओ थ्री एच, साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड का उल्टा, साइनाइड सी एन था, आइसोसाइनाइड एन सी हो गया, डायजोनियम एन टू एक्स। तो ये हो गए बेटा हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा एक बार पूरा पूरे सारे फंक्शनल ग्रुप रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों के लिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वन। सबसे पहला अल्केन, अल्केन चलो मैं बोलता रहता हूँ आप सुनते जाइए, मैं बोलता रहता हूँ आप सुनते जाइए। अल्केन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, कार्बन को सब सिंगल बॉन्ड लगा दिया अल्केन बन गया, जब कार्बन को डबल बॉन्ड लगा दिया अल्कीन बन गया, जब कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया अल्काइन बन गया। तो पहला हो गया अल्केन, दूसरा हो गया अल्कीन, तीसरा हो गया अल्काइन। चल उसके बाद चलेंगे बेटा ऊपर से, दो OH वाले ग्रुप, एक होता है अल्कोहल, दूसरा होता है फिनॉल। जब OH को अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो बनेगा अल्कोहल, जब OH को अराइल ग्रुप लगाएंगे, बेंजीन के ऊपर लगाएंगे, तो बनेगा फिनॉल। इसके बाद में बेटा चार आपको पढ़ाया जो आपके थोड़े फेमिलियर थे, जो अल्डिहाइड पढ़ाया, कीटोन पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया और हेलोजन पढ़ाया। अल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन का मतलब सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी अल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच, कीटोन में सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ एच, और हेलोजन तो सिर्फ एक्स रहेगा, और एक्स में अपने चार अलग अलग हेलोजन होते हैं। कौन से जो बताया आपको, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एस्टेडाइन नहीं लेंगे, रीजन दिया क्यों नहीं लेंगे, रेडियो एक्टिव है सर, कैसे ले लेंगे, नहीं चलेगा। उसके बाद चलेंगे बेटा थोड़े नए वाले ग्रुप देखे जो आज हमने, उसमें सबसे पहले देखा ईस्टर, ईस्टर वॉज गिवन बाय सी डबल बॉन्ड ओ ओ, जैसे ओ एच लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पे सिर्फ ओ लगेगा तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ। उसके बाद आ गया नेक्स्ट जिसका नाम था असाइल क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सी एल डाल दिया, असाइल क्लोराइड बन गया। उसके बाद देखा बेटा अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड में दो बार सी डबल बॉन्ड होता, बीच में ऑक्सीजन था, बराबर। उसके बाद देखा बेटा हमने अमाइन, अमाइन था NH2, आपके स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा होगा, पीछे की तरफ देखिए। और अमाइन का एक भाई है अमाइड, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ लग जाता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जब NH2 लगाओगे तो अमाइड बन जाएगा, बराबर मेरा बेटा, सबको समझ में आ रहा है पक्का। और लास्ट में हमने देखा साइनाइड, साइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो उसको हम साइनाइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमका थर्ड लिस्ट। इसके बाद वाली लिस्ट पे हम गए, सबसे पहले हमने देखा ईथर, ईथर था सिर्फ ऑक्सीजन, दोनों साइड पे आर लगा दोगे तो आर ओ आर बन जाएगा। उसके बाद दूसरा हमने देखा बेटा जिसका नाम था नाइट्रो कंपाउंड एनओ टू, जिसमें होता है एनएच टू, जैसे मैंने बोला अमाइन है, एनओ टू होता है नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट वाला जिसका नाम था सल्फोनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसओ थ्री एच, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कॉमन नाम लग रहा है, और उसी के जैसा है बेसिकली, एच टू एसओ फोर नहीं है, यहाँ पे एक एच कम है। नेक्स्ट इज आइसोसाइनाइड, साइनाइड का उल्टा, साइनाइड सी एन होता है, आइसोसाइनाइड एन सी होता है। और लास्ट दैट इज डायजोनियम सॉल्ट गिवन बाय एन टू एक्स। तो बेटा ये सारे ग्रुप आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ने हैं। देखते कितने हुए, गिन लेंगे एक बार, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। वैसे तो बहुत है और करवा सकता था, लेकिन आपके लिए इतना बस हो जाएगा। तो दीज 20 ग्रुप्स आई वॉन्ट यू, एवरी वन ऑफ यू हु इज वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट बेटा ये बहुत 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 अच्छे से करिए।
इसके अंदर थोड़ा भी 19-20 मत करिए, बिकॉज ये सब जब आप भूल जाते हो ना तो आपको बहुत तकलीफ देता है। तो विद इन माई नेक्स्ट लेक्चर, जब नेक्स्ट लेक्चर आओगे तो मैं ये अज्यूम करके रहूंगा कि आपको पूरे याद हो गए हो, और याद करके आओगे तो पढ़ने में बिल्कुल बहुत मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा समझो। चलो अब बताइए, इसके बाद जब ये खत्म हो जाता है ना, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज भी हमने अपने 10वीं में पढ़ा है, लेकिन होता क्या है ना बेटा, 10वीं हो गई, इतने महीनों की मजा हो गई, 10वीं पढ़ा नहीं पढ़ा मालूम नहीं, सर छोड़ो ना, हो गया कोरोना से पास कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मस्त लाइफ एंजॉय चल रहा है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे थे बहुत सिंसियर थे, जो चाह रहे थे एग्जाम हो, उनके लिए थोड़ा फील हो गया कि नहीं हो पाई एग्जाम। हो सकता है कुछ बच्चों को डिजर्विंग स्कोर नहीं भी मिला, डोंट गेट योर सेल्फ डीमोटिवेटेड, अभी पूरा जान जोश लगा दो और अभी जो आने वाली एग्जाम है उसके अंदर एकदम धमाका कर दो। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये समझेंगे बेटा आज। बेसिकली नाम में तो समझ ही रहा है कि एक सीरीज है, सीरीज मतलब ग्रुप है पूरा एक। तो सबसे पहले पॉइंटर्स लिखता हूं कुछ, कि ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें कंपाउंड विल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब सारे मेंबर के पास फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा एक के पास साइनाइड है, दूसरे के पास नाइट्रो है, तीसरे के पास अल्कोहल है, नहीं चल पाएगा भाई। एक अल्कोहल है तो लास्ट तक सारे के पास अल्कोहल होना 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 ही चाहिए। दूसरा, ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम अनदर मेंबर बाय CH2 ग्रुप, मतलब पहले और दूसरे मेंबर, दूसरे और तीसरे मेंबर, तीसरे और चौथे मेंबर, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप से एक अंतर रहेगा, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा CH2 का। दिस CH2 ग्रुप इज नोन एज मिथिलीन ग्रुप। इस CH2 को हम मिथिलीन बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं द टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय डैश ग्रुप, और नाम दिया रहेगा मिथाइल एसिड अलाइन मिथिलीन। बच्चे को समझता नहीं उस टाइम पे, उसको तो यही याद है कि CH2 है, लेकिन CH2 को बोलते क्या है पता नहीं है। लेकिन आज के बाद याद रखना CH2 इज कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप। नेक्स्ट, द मेंबर्स आर डिफर बाय 14 यूनिट्स। अगर आप ये CH2 का एटॉमिक मास निकालोगे, कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन दो बार है तो 12 प्लस 2 इज 14। तो हर मेंबर के बीच में मास का डिफरेंस, जो एटॉमिक मास का डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 14 का रहेगा। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से 14 यूनिट से डिफर करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, सबके दिमाग में जा रही है जो मैंने बोला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सब के पास प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का सबसे बड़ा रीजन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी के पास ग्रुप सेम है तो उसके पास ऑब्वियसली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल का एक जरिया ले लेता हूं। मैं लेता हूं अल्कोहल का होमोलोगस, पहला मेंबर अल्कोहल का CH3OH, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बोला जाता है इसको, तो पहला मेंबर हो गया। अब दूसरे में मुझे क्या बोला है कि ईच मेंबर शुड डिफर बाय अनदर मेंबर बाय CH2 ग्रुप, मतलब OH तो रहेगा सेम फंक्शनल ग्रुप, पॉइंट नंबर 1। CH3 भी रहेगा क्योंकि बोला है कि दोनों के पास एक चीज एक्स्ट्रा होगी, दैट इज CH2। अब देख, पहले वाले और दूसरे वाले में एक ही चीज का फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है या नहीं, है ना सर? तो तीसरा वाला तो आप मुझे खुद बता सकते हो, CH3 CH2 CH2OH। चलो चौथा वाला तो आप मुझे, मेरे से अच्छा जान लोगे अभी आप, CH3 CH2 CH2OH।
तो हर बार मेंबरों में एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए, और ये तो टीचरों का आदत होता है, कंफ्यूज तो करेंगे, मार्क्स काटना है आपका, तो इसको ऐसे लिखते हैं वो लोग, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो इसमें आप समझ नहीं पाओगे CH2 बढ़ रहा है, लेकिन अपना दिमाग तो है ना, अरे भाई दिया है ऊपर वाले ने सबसे ऊपर टॉप पे, तो C2H5 और CH3 में अगर दोनों के बीच में देखोगे तो फर्क CH2 का ही आ रहा है। एक कार्बन बढ़ा, बढ़ा ना सर, एक से दो हुआ, दो हाइड्रोजन बढ़े, 3 का 5 हुआ, बाकी तो सेम है, मतलब CH2 से बढ़ रहा है। तो आइडेंटिफाई करने बोलेंगे वो होमोलोगस है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा यस है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, क्या फर्क है, ऐसा लिखे चाहे वैसा लिखे, होमोलोगस तो है ही। तो ऐसे ही बहुत से होमोलोगस बनाने। अच्छा, कभी कभार ये पूछते राइट द सेकेंड होमोलोगस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का सेकेंड होमोलोगस बनाइए, ये हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कार्बन बढ़ाते जाओ, थर्ड होमोलोगस बोला 3 कार्बन का बना लो, 4 बोला फोर्थ का बना लो, तो डिपेंड करता है कौन सा होमोलोगस आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, 2-3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछ लेते हैं, अगर ऑफलाइन एग्जाम हुई आपकी और आपसे पूछा गया, या तो फिर ये पॉइंटर्स यूज कर लेना, MCQ के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें MCQs बहुत बन सकते हैं। CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, CH2 का यूनिट कितना है, 2 मेंबर कितने ग्रुप से डिवाइड हो रहे हैं, कितने से वो लोग डिफर कर रहे हैं, सब पूछ लेते हैं। तो ये छोटी 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 चीज है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। Am I क्लियर बच्चा लोग? तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, दे दू एक क्वेश्चन, घर पे करोगे, क्वेश्चन रहेगा राइट द होमोलोगस सीरीज या फिर फर्स्ट ओनली फर्स्ट 4 मेंबर्स। ऑफ हेलोजन, हेलोजन में आपको क्लोरीन लेना है, और दूसरा एक नाइट्रो बना लो आप, और तीसरा एक अमाइन बना लो आप, इन तीनों का आपको होमोलोगस तैयार करना है ऊपर के 4-4 मेंबर का, ठीक है। और दूसरा काम रहेगा राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल C(O) कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स में C(O) आता है उन सब का फंक्शनल ग्रुप आपको तैयार करना रहेगा। तो ये हो गया आपका काम, ये हो गया आज के लेक्चर का आपका इंपॉर्टेंट काम, क्लियर है मेरा बच्चा लोग? तो हेलोजन्स का, नाइट्रो का और अमाइन का आपको 4 होमोलोगस बनाना है, और फंक्शनल ग्रुप आपको C(O) वाले कंपाउंड तो सर ने बता दिए कैसे ढूंढे जाते हैं, तो आसानी रहेगा। चाहिए तो स्लाइड्स देख लो एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बेटा ये सारी चीज़ें आप पॉज कर करके आपके नोट्स के अंदर ले लोगे तो भी बहुत फ़ायदा करेगा आपको, क्योंकि बेटा होता ऐसा है ना कि हम आज पढ़ लेते हैं, बाद में हमको मालूम नहीं रहता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और चीज़ें कब इतनी फास्ट आपके साथ में से निकल जाएगी, चैप्टर्स इतने फटाफट ख़त्म हो जाएंगे, पोर्शन इतना जल्दी चला जाएगा कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आपका साल ख़त्म हो गया। और बच्चा यही सोचता है 11th हो गया आप 12th पे ध्यान दूंगा, लेकिन 12th का जो बेसिक है वो तो 11th में है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से तो आपकी नींव रखी जा रही है, उसी से तो आपका फाउंडेशन बन रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करोगे उतनी आगे अच्छी आपकी बिल्डिंग चलेगी, जो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। तो ये मत सोचना कि 11th निकल जाएगा सर 12th में ध्यान देकर के अच्छा स्कोर आएगा, वैसा नहीं होता बेटा। 12th में अच्छा करने वाले एक बच्चे को 11th करना है, और जो बच्चा एंट्रेंस का सोच रहा है, जो बच्चा सोच रहा है इंजीनियरिंग एग्जाम देंगे, जो बच्चा ये सोच रहा है नीट देना है, जिसको CET देना है, जिसको JEE देना है, या जो कुछ भी देना है, उसके लिए तो ये 2 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहनत मशक्कत करिए, ये ना सोचिए कि बस काम हो जाएगा, नहीं होगा। ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एंड दोज हु हैव एनी डाउट्स कैन जस्ट अप्रोच ऑल द टीचर्स ओवर हियर, वी विल हेल्प यू आउट। चलिए मिलते हैं बच्चा लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस आज का सेशन खत्म करेंगे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।